अनिल जी, अब बात करें जयपुर ग्रामीण की। यहाँ से दो खिलाड़ी आमने सामने हैं, दो जोशीले युवा आमने सामने। इस मुकाबले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके, जयपुर ग्रामीण सीट जब चुनाव की घोषणा हुई थी, ऐसा लग रहा था कि राजवर्धन का कोई मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। एक तरफा चुनाव, एक तरफा चुनाव था और कांग्रेस को भी ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। और अगर कोई आदमी राजवर्धन सिंह को सही चुनौती दे सकते, लालचंद कटारिया जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पर शायद कांग्रेस ने तय किया कि मंत्रियों को नहीं उतारेंगे, तो वो मैदान में नहीं उतरे। वो होते तो निश्चित तौर पर अच्छी टक्कर देते, चुनौती होती कड़ी। फिर कृष्णा पूनिया जो सादुलपुर से विधायक हैं, ओलंपियन हैं, डिस्कस थ्रो में है वो, ओलंपियन, और राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने पदक जीता है, स्वर्ण स्वर्ण पदक पदक जीता है। हाँ, स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन सामने ओलंपिक के रजत पदक भी देता है राजवर्धन सिंह, जो भी मंत्री है राज्य भारत सरकार में, खेल मंत्री भी हैं, पर्यटन खेल मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री भी हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास। पहली बार के सांसद को बड़ा भारी कद और पद मिल गया केंद्र सरकार में, देश की राजनीति में, ये बहुत बड़ी बात है। और 5 साल तक उन्होंने अपना कनेक्शन बनाए रखा अपने इलाके से, पूरी तरह हर शनिवार इतवार वो वहीं मिलते थे ज़्यादातर, तो इसलिए राज्यवर्धन सिंह अनपैरेलल लग रहे थे। लेकिन ओलंपियन को उतारा और जाट को उतारा और महिला को उतारा, ये तीन बातें जिन्होंने इस चुनाव को खड़ा कर दिया कांग्रेस के। और फिर जाट, महिला, ओलंपियन, और उसके बाद यादव समाज का एक वर्ग, यादव, राजेंद्र यादव का मंत्री होना, मनीष यादव का शाहपुरा से चुनाव लड़ना, तो यादव समाज का वर्ग, बड़ा वर्ग आधा जो बानसूर का यादव समाज है, पूरी तरह राजवर्धन के साथ है। लेकिन जो इधर का यादव समाज है, वो इनके प्रभाव, मनीष यादव के और राजेंद्र यादव के प्रभाव में, वो कृष्णा पूनिया की तरफ झुकता नजर आ रहा है। तो इसलिए अब मुकाबला हो गया है। और कृष्णा पूनिया ने जिस तरह सोबर तरीके से प्रचार किया, राजवर्धन ने प्रचार आक्रामक किया, लेकिन वो भी बहुत हाईटेक सोबर तरीके से भी किया उन्होंने, बहुत मतलब सोशल मीडिया, सोशल उन्होंने मीडिया टेक्नोलॉजी पर, को इतना यूज किया उन्होंने और बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी राजवर्धन के चुनाव को जैसे दिखाया, जी हमारे चैनल से, सभी चैनल की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल चैनल में भी, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर है, तो आज तक ने भी दिखाया, सारे चैनल दिखा रहे हैं, खूब राजवर्धन के इंटरव्यू भी आ रहे हैं। राजवर्धन बड़ी संयत भाषा में बोलते हैं, नपीतली भाषा में बोलते हैं, और वो मोदी कैबिनेट के ऐसे मंत्री हैं जो मोदी की टीम के सदस्य कहे जा सकते हैं। और उन्होंने वाकई में मेहनत भी की, अपने इलाके में खूब स्टेडियम बनाए, बच्चों के खेल कराए, ग्रामीण खेल पूरे कराए, 5 साल एक्टिव रहे, एक्टिव बिल्कुल। ऐसा लगता था कि ये केंद्रीय मंत्री है, लेकिन शनिवार इतवार को तो एक खबर उनकी जरूर आती थी कि आज इस गांव में, आज उस गांव में, तो हर गांव में उनका जुड़ाव जुड़ाव है हर गांव में, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। उनको जिस तरह से समर्थन मिला है वो वाकई में बहुत, लेकिन जो मुकाबला पहले एक तरफा था वो अब, हाँ, एक तरफा नहीं, अब मुकाबला कांटे का हो गया है। और अगर कांटे का मुकाबला नहीं होता तो शायद राजवर्धन जी को सनी देओल को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वसुंधरा जी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले उनको लग रहा था कि चुनाव क्या है, तो आए सनी देओल तो पार्टी ने तय कर दिया यहाँ जाना है, चले गए, कहीं ना कहीं जरूरत होती है। ये बात थी कि वसुंधरा राजे नहीं जाएंगे उनके इलाके में, दिया कुमारी के और इन दोनों के इलाके में, तो वसुंधरा राजे को दिया कुमारी के यहाँ भी जाना पड़ा और यहाँ भी जाना पड़ा, तो वो पॉलिटिकल कंपल्शन भी होते हैं कई बार, किसी को भेज के मैसेज देने का कि नहीं ये अलग नहीं है, इनके विचार अलग नहीं है, ऐसा मैसेज दिया जाता है कई बार, तो मैसेज देने के लिए भी कई बार ऐसे आयोजन किए जाते हैं। पर ये जरूर है कृष्णा पूनिया ने अच्छा चुनाव लड़ा है, मेहनत की है, और चुनाव को मुकाबले में खड़ा, मुकाबले में वो खड़ी हो गई है, ये हम कह सकते हैं। हार जीत तो जनता के हाथ में, जनता के हाथ में। जयपुर शहर की बात करें तो रामचरण बोहरा और ज्योति खंडेलवाल का मुकाबला आपको लगता है कि वाकई में टक्कर का हो गया है? देखिए, जयपुर शहर को तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस विरोधी लहर हमेशा रहती है। एक बार नवल किशोर शर्मा जीते यहाँ से, एक बार महेश जोशी जीते, ऐसे 2-3 बार कुल मिलाकर कांग्रेस जीती है अब तक मेरे ख्याल से। भवानी सिंह जी, कर्नल भवानी सिंह, राज परिवार, राजा यहाँ के, भूतपूर्व महाराजा, वो भी कांग्रेस सीट पर लड़े तो हार गए। उनकी माँ गायत्री देवी लड़ती थी, तो थी विपक्ष से, स्वतंत्र पार्टी, 3 बार सांसद रही। और पहले जरूर बंशीधर लुहाड़िया और दौलतमल भंडारी, शुरुआत में 52 में 57 में कांग्रेस टिकट पे एमपी बने यहाँ पे, उसके बाद मतलब ये कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा, बीजेपी का गढ़ रहा। और महेश जोशी एक बार जरूर जीते, लेकिन पिछला चुनाव वो 5 लाख से हार गए थे। तो भाजपा के इस गढ़ में ज्योति खंडेलवाल की चुनौती, सेंध लगाना बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती दे सकती हैं वो, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकली आइडेंटिफाइड चेहरा है,
पांच साल सांसद रहने के बावजूद रामचरण बोहरा का चेहरा पॉलिटिकली आइडेंटिफाइड चेहरा नहीं है। नाम पॉलिटिकली आइडेंटिफाई है पर चेहरा नहीं है। आज भी लोग उनको पहचान, हाँ मतलब भीड़ में जाएं तो पहचाने नहीं लोग कि हमारा सांसद है, लेकिन ज्योति खंडेलवाल को पहचान लेंगे। ज्योति खंडेलवाल हर कोई पहचानता पूरे, क्योंकि डायरेक्ट फाइट में महापौर बनी थी जयपुर से, बड़े अच्छे तरीके से आम चुनाव, बिल्कुल आम चुनाव हुआ था महापौर का, तब बनी थी और वो एक्टिव भी रही और उनका कंट्रोवर्शियल भी रही, नो डाउट कंट्रोवर्शियल भी रही, जुझारू कार्यकर्ता की। लेकिन अनिल जी, जो पिछले जो चुनाव में मुकाबला 5.5 लाख से उन्होंने चुनाव जीता था रामचरण बोहरा जी ने, राजस्थान चुनौती है ज्योति खंडेलवाल के लिए, सबसे बड़ी चुनौती है 5.5 लाख की खाई को कैसे पाटेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आमेर जीत लिया, क्षमा करें, और ये आदर्श नगर जीत लिया, बगरू जीत लिया, ये सब सीटें जीत भी तो दी है कांग्रेस ने, सीलाई जीत ली है, यही कांग्रेस पार्टी का प्लस है कि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है। भाजपा के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हार गए इस इलाके में, अरुण चतुर्वेदी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री हार गए, अशोक पन्नामी हार गए, इस इलाके में जी। तो विधानसभा चुनाव में तो गढ़ नहीं गया है, बड़े 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 मथालीश। तो आप मान सकते हैं ज्योति खंडेलवाल बिल्कुल मुकाबले में है। हाँ, और बस ये है कि अगर ये चुनाव मोदी लहर पे सवार नहीं होता, मोदी लहर पे सवार नहीं होता है और ये बनिया बामन नहीं हो जाता है, देखिए बात ये स्पष्ट बात बोलता हूँ, तो चुनाव होगा और ये जातीय ध्रुवीकरण हो गया तो वैश्यवर्ग तो एक होने से रहा, मुझे नहीं लगता वैश्यवर्ग एकजुट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, पर ब्राह्मण वर्ग एकजुट होता है, होता रहा है और हो सकता है रामचरण बोहरा के लिए। तो अगर ये जाति पोलराइजेशन पे हो गया तो बोहरा के लिए राह आसान है जी, क्योंकि जाति पोलराइजेशन दूसरी तरफ होना मुश्किल है, वैश्यवर्ग में वैसे भी जयपुर गढ़ है तो कोई ज्यादा उनको तकलीफ। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि जवाहरात का बिजनेस सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है जयपुर में इस समय, जो रियल इस्टेट का बिजनेस है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है, कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं, नगीने वाले मजदूर और कारीगर मकान बनाने वाले बेरोजगार हो रहे हैं, ब्याज नहीं चुकाया जा रहा रियल इस्टेट वालों से, जवाहरात के व्यवसायी धंधा समेट के बैठे हैं, ये हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त जयपुर की मंडी के, जवाहरात की मंडी के भी और रियल इस्टेट की मंडी के भी। इसलिए क्या इन खराब हालत में भी मोदी भक्त बने रहेंगे जी। ये एक प्रश्न मैं छोड़ कर जाता हूँ, जवाब मेरे पास नहीं है, जवाब वोटर देगा जी। अब आगे बढ़ते हैं, नागौर की बात करें तो यहाँ हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आमने सामने, इस मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं? ये हनुमान बेनीवाल, पहले भी हमने जब नागौर पर चर्चा की मैंने कहा था कि नागौर की राजनीति मिर्धा और चौधरी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है पिछले 40 साल से, नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, हरेंद्र मिर्धा, ऋषपाल मिर्धा, ये मिर्धा वो मिर्धा, ज्योति मिर्धा सब आ गए जी। और दूसरी तरफ राम रघुनाथ चौधरी, वो तो 3 बार सांसद, फिर उनका बेटा अजय किलक बीजेपी से आए, तो उनकी बेटी बिंदु चौधरी वो जिला प्रमुख 2 बार, ये और जो सी आर चौधरी वो उनके समधी सॉरी साडू सगे, राम रघुनाथ चौधरी साडू, अजय किलक के सगे मौसा, बिंदु चौधरी सगे मौसा, इन 2 परिवार राजनीति घूम रही थी। इसे भंवर सिंह डांगावास ने बीजेपी टिकट से लड़के पहली बार ब्रेक किया। हनुमान बेनीवाल या इमर्ज हुए एज पॉलिटिकल लीडर, जाट नौजवानों के नेता के रूप में इमर्ज हुए, और जाट नौजवान जो फेसबुक का नौजवान है, सोशल मीडिया का नौजवान है, वो दीवाना है भगवान हनुमान बेनीवाल का, इसमें कोई नहीं। हनुमान बेनीवाल में जो एग्रेशन है वो जाट कम्युनिटी के सोच को और पॉलिटिकल बिहेवियर को सूट करता है, उनके लिए हीरो है। लेकिन जो अदर कम्युनिटीज है, मेघवाल हैं, बनिए ब्राह्मण हैं, दूसरे जो बीजेपी के वोटर हैं, ट्रेडिशनल वोटर मुस्लिम हैं, क्या ये बीजेपी ने सीट उनको दे दी इस वजह से वोट उनको पड़ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ज्योति मिर्धा सोबर जेंटल और नाथुराम मिर्धा की पोती, बाबा की पोती, हाँ नारा भी वहाँ यही चल रहा है ना, बाबारी पोती, तो मिर्धा परिवार के पास वापस चल जाएगी या मिर्धा परिवार के उस वर्चस्व को जिसे एक आध बार चुनौती मिली है, और सी आर चौधरी भी, मिर्धा और चौधरी वो उसी उन्हीं परिवारों में से रहे, तो सी आर चौधरी का टिकट कटा। हनुमान बेनीवाल पिछली बार बड़ा कारण थे क्योंकि वो 2 लाख काफी वोट ले गए थे पिछली बार, हाँ। इसलिए ज्योति मिर्धा चुनाव, 1 लाख से ऊपर वोट, और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का क्रेज है युवाओं में खासतौर पर, वो वाकई में आज भी है नहीं साहब, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो वोट ले गए थे वो तो एंटी मिर्धा वोट ही था, एंटी मिर्धा वोट ले गए थे वो,
उसके बावजूद बीजेपी जीती, बीजेपी 1 लाख से कम से जीती, इसलिए हनुमान बेनीवाल वहां थे, मेरा मानना ये। इसलिए हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक पॉलिटिकल फोर्स जरूर हैं, पर उस पॉलिटिकल फोर्स को क्या बीजेपी के लोग महाफोर्स बनाए रखना चाहेंगे? नागौर की बीजेपी, नागौर का बीजेपी वोटर, नागौर की बीजेपी के चुने हुए और नहीं चुने हुए नेता, हारे हुए जीते हुए नेता जी। क्या हनुमान बेनीवाल को नागौर के सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार कर पाएंगे, जबकि उनकी पार्टी अलग है, बीजेपी ने समझौता करके सीट उनको दी है जी। इस पर निर्भर करेगा चुनाव का नतीजा। चलिए अनिल जी, समय थोड़ा कम है, अलवर में एक तरफ राजा है एक तरफ संत है, इस मुकाबले को आप किस तरह देख रहे हैं? जी देखिए, जो राजा है उसके लिए तो ये नारा लगाया था, राजा नहीं फकीर है, अलवर की तकदीर है, अलवर का भारी विकास किया उन्होंने, और अलवर में जब वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री थे, अलवर में बहुत सारी चीज़ें लेकर आए वो, और मेरे को किसी ने बताया शायद वहाँ जो अस्पताल बनाया वो 1000 करोड़ का अस्पताल है, 100 करोड़ का अस्पताल है, बड़ा भारी अस्पताल बनाया उन्होंने, जो भी बंद पड़ा हुआ है 5 साल से काम नहीं हुआ वहाँ पे, इतना बड़ा भारी अस्पताल बनाया, उसको एम्स बना सकते हैं वो, वहाँ पे फोर्स लेके आए, सेना की टुकड़ियाँ लेके आए, बहुत अलवर का काफ़ी विकास किया उन्होंने। बालकनाथ यादव वोट तो एक तरफा जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि ये यादव हैं, बैरोड के रहने वाले, लेकिन हरियाणा की एक गद्दी पर गद्दी नशीन है, जिस पर पहले चांदनाथ थे, और चांदनाथ भी अलवर के सांसद थे, 4 साल वो चूंकि अलवर में नहीं आए सांसद चुने जाने के बाद, बीमार होने, सांसद कोष का पैसा भी खर्च नहीं किया, इसलिए उपचुनाव हार गई थी बीजेपी और कांग्रेस जीत गई थी उपचुनाव को। अब उपचुनाव को, अब चुनाव को, मुख्य चुनाव, अब जो मुख्य चुनाव हो रहा है जी, उसमें बालकनाथ को झेलना पड़ रहा है चांदनाथ की अनदेखी को, चांदनाथ की छाया, सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि बीमार रहे 4 साल, लेकिन जो भी जनता को लेना नहीं, पर बालकनाथ अपने आप में फोर्स है, सीधा सीधा मुकाबला यादव वर्सेज अदर्स नहीं हो रहा। बसपा के एक प्रत्याशी हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, इमरान नाम है शायद उनका, वो मेव है और मायावती यहाँ सभा करके गई हैं, अगर बसपा के प्रत्याशी 50,000 से ऊपर वोट ले जाते हैं तो राजा के लिए संकट, तो भंवर जितेंद्र सिंह के लिए भारी संकट पैदा हो जाएगा, और बसपा के प्रत्याशी के वोट 50,000 से नीचे रहते हैं तो कांग्रेस यहाँ मुझे मुकाबले में कंफर्टेबल पोजीशन नजर आती है। तो मुकाबला मतलब है राजा में और संत में ही, जैसा मुकाबला तो यहाँ पे भंवर जितेंद्र सिंह और इसमें ही है बालक बालकनाथ में, अभी कल लेकिन रोड शो हुआ है, उसमें भूपेंद्र यादव भी वहां गए राज्यसभा सांसद, और ओम माथुर भी गए, क्योंकि ओम माथुर के पट शिष्य वहां से एमएलए हैं इस वक्त अलवर शहर से। मैं और बसपा के लोगों को बताया कि उनको किसके साथ रहने में फायदा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहां बसपा जीतती भी नजर नहीं आ रही, मुकाबले में नहीं है, ऐसे में बसपा के जो मूल वोट बैंक है वो भी हो सकता है फिर कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो, तो मुकाबला सीधा सीधा वहां पे राजा और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वहां पर एससी का वोट अगर बसपा के साथ नहीं जाता है, और एसटी का वोट, मीणा वोट खासतौर पर, जोरीलाल मीणा वहां से एमएलए हैं राजगढ़ से, उनके सामने बन्नाराम मीणा को 27,000 वोट मिले थे बसपा के टिकट पर, वो भी आज बन्नाराम मीणा राजा के लिए प्रचार कर रहे हैं, मनोहर जितेंद्र सिंह के लिए, उन्होंने बड़ी रैलियां की है, खूब सारी गाड़ियां लगा रखी है राजगढ़ में, तो राजगढ़ के ही रहने वाले माने जाते हैं राजा, राजगढ़ ने हमेशा राजा को जिताया है, तो राजा वहां डबल फोर्स के साथ हैं इस वक्त राजगढ़ में जी। और कांतिलाल मीणा जो एमएलए हैं वो दौसा में आ रहे हैं, सीट आंकी थाना का जी उनकी दौसा में आती है, लेकिन उनका मीणा समाज में प्रभाव है, प्रभाव है, मीणा वोट बहुत है वहां पे उस इलाके में, तो गुजर किधर जाएगा अलवर का, मीणा किधर जाएगा, ये भी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है जी। चलिए सत्ता संग्राम में आज हमने बात की उन 12 सीटों की जिन पर सोमवार को मतदान हो रहा है, आप मतदान जरूर कीजिए, लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सत्ता संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।